नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे एक महीने के गैप के बाद राग परिचय को फिर से शुरू करते हुए। 50 रागों के बाद मैंने एक ब्रेक लिया था एक महीने के लिए। वापस शुरू करते हैं। आज देखते हैं राग चारुकेशी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर राग है। रीसेंट एडिशन है अपने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस में। आज थोड़ा कुछ अलग करते हैं। आज मैं ऐसे करूंगा कि शुरू में 3-4 गाने, फिल्मी गाने जो चारुकेशी पर आधारित है, वो एक के पीछे एक बजाऊंगा, उनके मुखड़े बजाऊंगा। उसके बाद हम चारुकेशी राग की तरफ देखेंगे और अंत में आपको बताना है कि उसमें से कौन सा गाना चारुकेशी राग से सबसे ज़्यादा मेल खाता है, कौन सा गीत है जो चारुकेशी के सबसे नज़दीक है। आपका उत्तर चैट में आ सकता है, उसके ऊपर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं कुछ गाने जो राग चारुकेशी पर आधारित है। कल्याण जी आनंद जी ऐसे एक संगीतकार रहे हैं जिन्होंने चारुकेशी यूज किया है 2-3 गानों में। पहला ये गाना है, फिल्म थी हिमालय की गोद में। और एक गीत था इसी संगीतकार से, फिल्म थी मेरे हम सफा। शंकर जयकिशन की पेयर ने एक गाना दिया था फिल्म आरजू के लिए। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है मदन मोहन से, फिल्म दस्तक से। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं राग चारुकेशी क्या है। राग चारुकेशी आया है कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत से जो भी राग हमने अपनाए हैं हिंदुस्तानी संगीत में, वो हमने बतौर स्केल के लिए हैं। उनका कोई चलन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। चारुकेशी उन्हीं रागों में से एक है, रिसेंटली आया हुआ है, बहुत पॉपुलर हो चुका है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में ज़्यादा पॉपुलर है। देखते हैं राग क्या है।
इसका उत्तरांग जो है आधा पार्ट ऊपर वाला जो है वो भैरवी से मेल खाता है। सारे स्वर कोमल है, कोमल धैवत, कोमल निषाद, और पूर्वांग जो है वो पूरा शुद्ध है। ऋषभ शुद्ध है, गंधार शुद्ध है, तो स्केल बनता है। अब इस स्केल को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये पूर्वांग हो गया। पूर्वांग और उत्तरांग में कोई भी स्वर संगति षड्ज पंचम भाव से या षड्ज मध्यम भाव से नहीं बनती है। यहाँ पे शुद्ध ऋषभ है, वहाँ कोमल धैवत है। शुद्ध धैवत होता तो वो शुद्ध ऋषभ से मेल खाता। शुद्ध गंधार है, उस तरफ में कोमल निषाद है। इसीलिए ऐसे जो राग हैं जिनमें के पूर्वांग और उत्तरांग में बहुत ज़्यादा संवाद नहीं दिखता है, उनको एक्सपांड करना, वो बहुत बड़े राग नहीं हो जाते, मुश्किल हो जाता है उनको एक्सपांड करना। चारुकेशी वैसे ही रागों में है और इसलिए चलन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन ऐसे जो भी राग हमने हिंदुस्तानी संगीत में अपनाए हैं, हमने अपना उनका एक चलन या उनको देखने का एक नज़रिया सा बना लिया है। सो चारुकेशी को दो तीन अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। कई बार लगता है कि शुद्ध ऋषभ और कोमल धैवत कॉम्बिनेशन होने से नटभैरव की तरफ चला जाता है। कई बार लगता है नटभैरव के जैसा है, कई बार लगता है दरबारी का अंश उसमें बहुत ज़्यादा है कोमल निषाद कोमल धैवत के हिसाब से। सो ये जो है ये नटभैरव की फ्रेज है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे चारुकेशी करने में। वैसे ही ये दरबारी है, लेकिन चारुकेशी में इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बार तो मुझे लगता है कि दरबारी से भी ज़्यादा राग जौनपुरी से चारुकेशी ज़्यादा मेल खाता है, तो देखते हैं चारुकेशी कैसे होगा। अब हो ये रहा है कि जिस स्वर को हम बड़ा करने लगेंगे या प्राधान्य देने लगेंगे, उस हिसाब से धीरे धीरे राग का चेहरा बनते जाएगा। सो गंधार लंबा कर दिया, धैवत बड़ा हो गया, कोमल निषाद बहुत बड़ा नहीं है। जब मैं मध्यम बड़ा करूंगा
मध्यम को लंबा खींचने से कोमल निषाद जो है अपने आप लंबा हो जाएगा। पंचम भी जाके न्यास होना है। ऐसे करने से हम नाटक भैरव की तरफ जाते हैं ऐसे लगता है। ये करने से नाटक भैरव हो जाएगा। तो या फिर भैरवी की तरह ऐसे चारुकेशी बनते रहेगा। जैसे हम उसको मोड़ते रहेंगे अपने आप राग अपना स्वरूप दिखाते जाएगा। तो ये है चारुकेशी का अपना एक रूप। एक बंदिश है पंडित रातन जनकर जी की बनाई हुई, बहुत प्यारी बंदिश है, बड़ी लंबी बंदिश है, सिर्फ स्थाई सुनाता हूँ। Thank you.
तो ये रहा राग चारुकेशी। शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब आपको देना है, यहीं पे चैट पे देते रहिएगा या फिर YouTube में भी चैट में दे सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा करनी है तो और एक सवाल मन में आता है, चारुकेशी का गाने का समय क्या होना चाहिए? जैसा मैंने कहा था, अलग अलग रागों के साथ इसको जोड़ सकते हैं हम। नटभैरव या जौनपुरी की तरह देखेंगे तो सुबह का लगेगा, दरबारी की तरह देखेंगे तो शाम का लगेगा, रात का लगेगा, भैरवी की तरह देखेंगे तो फिर सुबह का लगेगा। तो चारुकेशी का गाने का समय क्या होना चाहिए? राग परिचय को जारी रखेंगे, अगले हफ्ते और एक ऐसे ही स्केल राग लेके आएंगे, राग जनसम्मोहिनी।